मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण आशीष पाठक द्वारा देते हुए कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ शिविरों के माध्यम से दिया जा रहा है। सर्वे कार्य के दौरान उज्जैन शहर के 54 वार्डों अंतर्गत अभी तक 51,145 घरों तक पहुंचकर सर्वे कार्य किए जा चुके हैं। प्राप्त आवेदनों को शासन के निर्धारित पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जोन अंतर्गत वार्डों में चयनित पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाएगा। अभी तक उज्जैन नगर निगम द्वारा 18 वार्डों में शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों द्वारा 10,000 का ऋण अदा कर दिया गया है, ऐसे हितग्राहियों को 20,000 का ऋण योजना अंतर्गत उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा कमलेश, संदीप एवं निर्मला देवी को प्रतीकात्मक चेक के माध्यम से राशि दी गई। नगर पालिका निगम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा मनोरमा गुप्ता को स्वयं का व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के माध्यम से 2,00,000 का ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे वो अपना रोजगार सफलतापूर्वक संचालित कर सके। अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, पूरी की पूरी सरकार आपके द्वारा आई है। आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान शिविरों के माध्यम से होगा। ये बात राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को जाल सेवा निकेतन स्कूल में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत शिविर में कही, जिसमें सरकार स्वयं आपके द्वार पर जाए। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार आपके इस वार्ड में आई हुई है। हमारे अधिकारी सामने बैठे हुए, कंप्यूटर लिए हुए हैं, लोग अपने आवेदन दे रहे हैं। और आवेदन देने के बाद अक्सर पहले एक शिविर लगते थे, कैंप लगते थे, जिनमें आवेदन तो आते थे, आवेदनों का निराकरण हमारे कर्मचारी करते भी थे, लेकिन बहुत सारी आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। इस कारण ये निर्णय लिया इस बार सरकार ने कि एक बार नहीं, दो बार कैंप लगाए जाएंगे। एक बार आप आवेदन दो, जो समस्या का समाधान हो वो होगा, लेकिन दूसरी बार जब यही इसी स्थान पर कैंप लगेगा तो जो भी आवेदन आपने दिए हैं उन आवेदनों पर, अधिकांश आवेदनों में जो पात्र होंगे उन पर निर्णय होगा और आपको यही उनके प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।